मामले और भीतर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेरे ऊपर युवाओं को मार्शल बनाने का आरोप लगा है। आप लोग कोई दुखी हो जाते हो कि मार्शल बन गए? मैं तो समझती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्शल बनना चाहिए कि जब वो मार्शल बनते हैं तो हम जैसे आप लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। इतने लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे तो जब फैक्ट्रियां लगेंगी उन फैक्ट्रियों को काम करने के लिए लोग होंगे, आपकी दुकानें लगेंगी दुकानें के अंदर व्यवसाय बनाने के लिए लोग होंगे। बिना पढ़े लिखे के कोई आदमी आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है? तो मैंने फिर देखा कि हम लोगों ने अपने 5 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा क्या काम किया। कॉलेजेस के ऊपर ही मैं तो देख रही थी, स्कूल 45,000 स्कूल जहां हमने खोले वहां इतने 21,000 स्कूल बच्चों के लिए खोले। और हमने तो अपने टीचरों को ला के उनके अंदर जाने की कोशिश की, या तो ये स्कूलों के अंदर तो आप सब जानते हो कि कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं। तो मैं जब देख रही थी तो इसमें ICI कॉलेज हम लोगों ने अपने 5 साल के अंदर करीबन 500 ICI खोले। तो गहलोत के 2 कार्यकाल में यानी 10 साल उसमें 360 खोले। MBA कॉलेज अगर मैंने अपने 5 साल में 72 खोले तो गहलोत ने अपने 10 साल के अंदर 27 खोले। और मेडिकल कॉलेज 3, डेंटल कॉलेज 5 और उनके समय में 0। 10 साल के अंदर न मेडिकल कॉलेज न डेंटल कॉलेज। और मैं अगर नहीं आती तो शायद ये कॉलेज भी अभी खुलता नहीं। आप लोग इसी तरह से डरना क्यों सकते हैं? हम लोग जानते हो कि बस मेरी राह लोग देख रहे थे कि अभी वो आएगी, उसके एक दिन पहले हम लोग अनाउंस करेंगे ताकि गंगानगर के लोग सब उसमें खुशी में झूम जाएंगे और शायद हमारी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। परंतु यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो 4 संवाद में होती हुआ आ रही हूँ और ये 5वां संवाद जो करने की तैयारी में हूँ। आज 10,000 किलोमीटर तक हम लोगों ने दौरा कर लिया है और कई मीटिंग के अंदर मैं गई हूँ। जहां भी मैं गई हूँ वहां लोगों ने हाथ ऊपर खड़ा करके मेरे को खाली 2 बार बताई है कि साहब हमको अपने मूलभूत सुविधाओं को दे दीजिए। 65 साल से लोकतंत्र आ गया है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, और हम लोगों को न पीने का पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न सही तरीके से अस्पताल के अंदर डॉक्टर है और न सही तरीके से स्कूलों के अंदर टीचर है। हम लोगों की ऐसी हालत खराब है और ये 4 महीने के अंदर हमारे बीच में रेवड़ी बांटने आए हैं। इनको कह दो कि 65 साल में जो हमको नहीं दे पाए उनकी वजह से रेवड़ी तो हमारी है, हम अपने जेब में रखेंगे, परंतु वो हमारा नहीं मिलने वाला है। ये लगातार लोगों ने मेरे को खड़ा होकर सब लोगों के साथ, ये इलाका आपको नहर का इलाका है, नहर के इलाके के अंदर मई की गर्मी में, क्योंकि मैंने कहा कि मई है वो समय जब हम लोगों को देख लेना चाहिए कि नहर की क्या स्थिति होती। हम लोगों ने कई जिलों का दौरा किया, पंजाब से लेकर पूरे नहरी क्षेत्र को कवर किया और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाके आंखों से ये देखने की कोशिश की कि क्या मुसीबत चल रहा है इलाके के अंदर। मैंने देखा कि सबसे पहले तो दूषित पानी आ रहा है। यहाँ ये बता रहे हैं कि कहीं मुर्गी आती है तो कहीं कुछ गंदगी आ जाती है, कहीं सीवरेज आ जाता है। अब मेरे को बताओ कि 65 साल निकल गए, क्या हमको ऐसा पानी पीना पड़ रहा है? अगर वो पानी आ रहा है तो यहाँ फिल्टरेशन प्लांट भी लगा दिया होता 4 साल के अंदर तो मैं समझती हूँ वो गंदा पानी गंदा नहीं, वो साफ होकर आप लोग तक पहुंच जाता, फिर आप लोगों को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आज राजस्थान जी मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रेन जाती है उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया। क्या ये सही है? उसको कहते हैं कैंसर ट्रेन और यहाँ से लोग बैठ बैठ के जाते हैं क्योंकि दूषित पानी की वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो गई है और वो ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर की बीमारियां हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ही दुखी हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये फिल्टर प्लांट जगह जगह पर लगना और साफ और पर्याप्त पानी लोगों तक पहुंचना उनके घर पे, ये सबसे बड़ी मांग है हमारे प्रदेश की और उसको सरकार अपनी आय सबसे पहले उस काम को करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये सब लोगों को मैंने 5वां संवाद के अंदर कह दिया। उसके साथ साथ जो नहर की हालत मैं देख देख के दर्द रह गई, उस समय बहुत जर्जर आ गई थी नहर, उसके लिए पैसे देके नहर को ठीक करने की जगह जगह पे हम लोगों ने कोशिश की। पूरा सिल्टिंग हो गया था ऊपर से नीचे तक, हम लोगों ने मशीनें खरीदी,
करोड़ रुपया खर्च करके मशीनें खरीद के कहीं बूम हो कहीं जेसी भी हो और उनसे एक दफा ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने नहर की सफाई करवाने का काम किया, मोगे ठीक किए और यह देख लिया कि अंत में तेल तक वो पानी पहुंचने का हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की, लोगों को तेल तक पानी मिला और मुझे खुशी है गर्व है कि ये काम हम लोगों को जो कहा गया था लोगों से उसको करने करके पूरा करने का हम लोगों ने किया। अब आप अपने मुसीबत की बात आज जो मैंने पेपर में पढ़ी और मुझे उससे बहुत दुख हुआ, बीबीएमबी के अंदर हम लोगों ने यह तय किया था कि हम लोगों का एक रेप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जितनी भी कोशिश की आप लोग सब जानते हो, यहाँ से चिट्ठियां लिखी, हम लोग सब ने बात की, सरकार कांग्रेस की थी, हमारे बीबीएम का आदमी नहीं आया, पंजाब का आदमी बैठता है, हरियाणा का आदमी बैठता है, राजस्थान का आदमी नहीं बैठता है। और अब नीचे के स्तर पर भी हमारा जो रेप्रेजेंटेटिव था उसकी ओवर एज हो गई है, रिटायरमेंट हो गया है तो वो भी हट गया है, तो आज उस बोर्ड के अंदर राजस्थान का एक भी व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए आपके जो गेट खुले हैं सेने वाले का 36,000 क्यूसेक पानी सीधे पाकिस्तान को जा रहा है और मैं कहती हूँ कि यहाँ का जो मांग है 20,000 क्यूसेक अगर ये पानी हम लोगों को बचा के दिया जा सकता था तो हम लोगों को अपने क्षेत्र के अंदर आराम से पानी सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी मिल जाता था। भाइयों क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार तो वो सरकार होती है जो लोगों की बात को समझ के सुन के उसका इंतजाम करने की कोशिश करती है कि नहीं? इसीलिए आज मैंने आपसे पूछा है तो पानी की मुसीबत है, दूसरी तरफ आपकी बिजली की मुसीबत है, यहाँ के बहुत सारे लोग किसान हैं और किसानों को क्या चाहिए? सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे बिजली। आज मैं देख रही थी इस आपके कागज में देख रही थी कि बिजली की क्या स्थिति, 10 से 12 घंटे बिजली महिलाओं के लिए जो मैंने अलग से एक ऐतिहासिक काम करके एक अलग बिजली की लाइन घरेलू बिजली के नाम से उनको जो दी थी, जिसको जब मैं छोड़ गई थी सरकार 18 से 20 घंटे बिजली वहां मिल रही, आज मुश्किल से 10 घंटे बिजली मिल रही है। पर मैं माता बहने आपको ये कह रही हूँ कि मैं 18 घंटे तक इसको लाई थी और आने वाले समय के अंदर सरकार अपनी आती है हाँ उसको 24 घंटे घरेलू बिजली करने का काम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आते आते रुक गई थी और ये हो सकता है मैं समझती हूँ उसको अपन पूरा क्यों नहीं कर सकते, इसको करने का हम काम करें। मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि राजस्थान का किसान आज आत्महत्या की कगार के ऊपर आके क्यों खड़ा हो गया है, तो इसलिए हो गया क्योंकि उसको 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से और वो भी ट्रिपिंग के साथ आज कल बिजली मिलती है, उसके साथ साथ डीएपी खाद सही तरीके से नहीं मिलती और मिलती है तो वैसी मिलती है, उसी तरीके से आपके बीज नकली बीज सब दूर नकली बीज मिलता है, वो किसान कितना दुखी है आप मेरे को बताइए। कभी देख रही थी मेरे समय के अंदर डीएपी का जो आज उस समय 485 रुपए पर एक बैग था, आज बताते मेरे को लोग कि वो करीबन 1260-1300 रुपए तक पहुंच गया है, ये सही है? कहां 485 कहां 1360, और अगर यूरिया की बात करते हैं तो जहां 280 रुपए हमारे समय में प्रति बैग मिला करता था आज 500 रुपए तक पहुंच गया है, क्या ये सही है? और अगर आप भी समझिए कि 2 रुपए पेट्रोल को भी उसमें जोड़ दीजिए जो अभी बढ़ गया है तो सोच लो कि किसान की क्या स्थिति होती होगी और महंगाई इस तरह सीमा पर कैसे पहुंच गई है, क्योंकि सरकार को चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है आपकी कि किसान मर जाए या जिए, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको तो चिंता सिर्फ इतनी है कि जब मेरे वोट का टाइम आएगा तो मैं अपने वोटों को किस तरह से बटोर सकता हूं। बीमारू प्रदेश आपने मेरे को दिया याद है आपको, उस बीमारू प्रदेश को मुश्किल से मेहनत करके पैरों पे खड़े करने का हम लोगों ने काम किया और 5 साल के अंदर कायापलट करने की कोशिश भी की। उधर आप देख लीजिए गुजरात के नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15 साल के अंदर कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दी। इधर देखिए शिवराज चौहान की, उन्होंने 10 साल में कहां से कहां उनको पहुंचा दिया। 5 साल हम लोगों को मिले, हमने राजस्थान को की बदलाव को शुरुआत कर दी, परंतु इन कांग्रेस वालों को 65 साल तक मेरे 5 साल हटा दो और भैरव सिंह जी के 7 साल हटा दो तो 12 साल निकाल के 53 साल लगातार उनको मिले हैं, और 53 साल के बाद अगर हम लोगों को मिल जाता तो चमन करके छोड़ते राजस्थान को आज गड्ढे में बिठा के रखा है। शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था,
और मैं सब अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि उनको पढ़ा के लिखा के उनके रोजगार का इंतजाम हम लोगों ने अपने 5 साल में किया। 5 साल के अंदर हमने कोशिश की कि 10 लाख बच्चों को हम नौकरी दें और हमने दी, परंतु ये सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर नौकरी को छोड़ो आज वो कहते हैं कि खाली मास्टर बना के काम बनेगा क्या। मैं तो कह रही हूँ मास्टर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, पर पद तो भरो। आज 60% कर्मचारी के पद खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है और भर्तियां भी नहीं हो रही। कभी टेस्ट का नाम देते हैं, कभी कोई और एग्जाम का नाम देते हैं, कभी इसमें बताते हैं, कभी कोर्ट में बताते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी को हमें नौकरी देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चे को कह दिया कि हम निकालेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, टेस्ट का भी मैंने आपको कह दिया है, हम निकालेंगे इसमें से रास्ता और हमारे बच्चों को नौकरियों का इंतजाम कराएंगे, हम उनको नौकरी देंगे, टीचर का भी, डॉक्टर का भी और अलग अलग किस्म की सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों देने का हम काम उनको करके छोड़ेंगे। आज आप लोग सब यहाँ बैठे हो तो मैं, क्योंकि गंगानगर कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपके शहर के अंदर 2 काम बड़े मेरे सामने आए। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे को यह कह दिया था कि यहाँ बड़ी बदबू आती है इस शुगर मिल की वजह से, इस शुगर मिल को आपको हटा दो तो हमारे शहर के अंदर एक अच्छी हवा, एक अच्छा वातावरण फैल जाएगा। मैंने तुरंत ही उस समय जमीन निकाली, जमीन निकाल के ये शिफ्ट करने की पूरी कोशिश की, वहां जाके शिलान्यास भी किया, उसके पैसे मैंने अलग से छोड़े, इनको खाली उस पैसे को इस्तेमाल करके वहां फैक्ट्री लगाने की जरूरत थी, वो काम भी नहीं कर सकी है सरकार। मैं लानत है इस सरकार पे जो देखती नहीं है कि उसकी जनता की स्थिति क्या हो रही। आज 4 महीने बाकी बच गए तो आपके पास आ रहे। मैं तो पूछा कि गंगानगर के सीवरेज की क्या स्थिति है, गंगानगर के सीवरेज की और बिल्कुल धांधली हो रही है, ओवर ब्रिज बना नहीं है, शहर के अंदर गंदगी फैल रही है, वो तो नाले तो मैं देखते आ रही हूँ। अगर बीकानेर के अंदर हम लोगों ने इतने बड़े गंदे नाले को साफ करके छोड़ दिया जो सूर सागर कहलाया जाता था, तो क्या अपन गंगानगर का ये कर नहीं सकते? अगर चाहते, इच्छा शक्ति थी तो ये भी काम कर सकते थे, परंतु काम करने की इच्छा शक्ति इस सरकार को नहीं है, उनको काम नहीं करना है। 6 साढ़े 4 साल कुंभकर्म की नींद लेके अब जगे हैं, अब तो इलेक्शन आ गया है, अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा। आज राजस्थान की विकास दर बिहार से नीचे है, बिहार की विकास दर 16% और हमारी विकास दर 5%। कहां लेकर राजस्थान, एक वो राजस्थान था जिसका नाम इतिहास के अंदर लिखा गया था, लोग आते थे दूर दूर से राजस्थान को देखने के लिए। आज राजस्थान का नाम कलंकित हो गया है और लोगों को ये कहा जाता है अरे ये तो कोई भी नहीं, राजस्थान के अंदर तो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके देखे तो सही, डिस्ट्रिक्ट खाली पड़े हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को तो मैं नहीं समझती थी अपने को उस कुर्सी में बिठाना चाहिए। माता बहनों की हालत क्या हो गई है बताओ, कोई भी माता बहन जो है अपनी बेटी को कॉलेज या स्कूल भेज देती है तो कैसा दिल धड़कता है जब तक लड़की वापस नहीं आती, घर लगता है कि मालूम नहीं उसके साथ क्या अत्याचार हो सकता है। आज ये स्थिति पूरे राजस्थान के अंदर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, महिला सड़क पे आराम से नहीं चल सकती है। जिस प्रदेश के अंदर या जिस परिवार के अंदर उसकी बहन उसकी बिटिया की इज्जत दांव में लगी हुई है, ऐसे परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैंने तो बच्ची को एक देश चलाने की कोई भी बात नहीं थी। अभी मैं देख रही थी कल फेसबुक पे, आप लोग सब बहुत फेसबुक वगैरह सब देखते हो, जरा फेसबुक पे चले जाइए और देखिए एक बेचारे लड़के ने क्या लिखा। उसने ये लिखा कि अब 4.5 महीने रह गए हैं, इसके अंदर आपकी नेवड़ियां जोरदार तरीके से बढ़ रही है। तो लिखता है लड़का, मुफ्त में लैपटॉप ले लो, मुफ्त में चावल ले लो, मुफ्त में साइकिल ले लो, मुफ्त में बिजली देने की बात भी हम कर सकते हैं। सही बात है, क्या वो बच्चे हैं, अपने को खजाना ही लूटना है ना, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। उन्होंने कहा हम लोग स्वाभिमानी लड़के हैं, हमें रोजगार दो, हम अपने पैर पे खड़े होंगे, हम अपनी रोटी अपने आप कमाएंगे, हमको किसी के टुकड़े नहीं चाहिए, हमें आप दे दीजिए हमारा जो राइट है, ये हमारा राइट है कि हमको नौकरी देंगे, हमें राजस्थान से पलायन नहीं करना है, हमको राजस्थान के अंदर रहना है, हमको अपने परिवार को संभालना है और हमको अपने इस प्रदेश के अंदर अपनी कमाई करनी है, हमें रोजगार
दो, हम रोजगार देके अपना सब कुछ संभाल लें, और उनको रोजगार मिल जाता है तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, राजस्थान विकसित होगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपको याद होगा जब महानरेगा का काम था राजस्थान के अंदर, और हमारी सरकार थी तो पूरे देश के अंदर महानरेगा में नंबर एक राजस्थान प्रदेश था। 36 लाख लोगों ने उस महानरेगा के अंदर काम किया, और जो काम उन्होंने किया उसकी परिसंपत्ति जो बनी, उस परिसंपत्ति के ऊपर राजस्थान बीमारू राज के उस दायरे से निकल के आया। उस सब उनका काम, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, वो काम करेंगे, वो परिसंपत्तियां बनाएंगे, और उन परिसंपत्तियों के ऊपर हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। उसकी आखिरी लाइन क्या कहता है वो, ये बच्चा कहता है, देश को भिखारी बनाकर हर हाथ में कटोरा थमाकर ही दम लेंगे। ये बिल्कुल सही है, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो एक नया राजस्थान का सपना ही नहीं, उस नए राजस्थान को विकसित करने के लिए आगे बढ़ेगी। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जिसके और जनता के बीच में कोई फासला नहीं है, जहां एक परिवार के रूप में 36 के 36 करोड़ मिलकर साथ प्यार से चलते हैं, जिनके बीच में झगड़ों की दीवारें नहीं है, जिनके बीच में प्यार की नदी चलती है, ऐसे लोग जब साथ होकर चलेंगे तो राजस्थान का विकास तो होगा। ऐसा विकास जिसमें हमारी महिला अपने स्वाभिमान से चलेगी, ऐसा विकास जिसमें हमारे बच्चे कमाएंगे, खाएंगे, खुश रहेंगे, ऐसा विकास जिसमें हमारे व्यापारी अपना काम करके अपने प्रदेश को विकसित बनाने का बहुत बड़ा हाथ देंगे, और ऐसा विकास जिसके अंदर हमारे लोग, हमारे किसान मजबूती के साथ अपने पैर पे खड़ा होकर अपना काम कराने की कोशिश करेंगे। मैं सब लोगों को बहुत सारा आज प्यार देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि ये परिवार है। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति के हाथ में ताकत है तो भूल जाओ, ये ताकत आपकी है, इस ताकत को आप पहचानो। ये ताकत के साथ जब हम लोग चलेंगे, जब आप हमारे साथ चलोगे, तो ये बदलाव देखने का एक बहुत बड़ा जादू आप लोग देख सकोगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपके बीच में आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे। एक ने आके मुझे कहा कि हमारे दो बच्चों की ऐसी मर्डर हुआ है, उनका आप जरा कुछ करिए, सीबीआई को केस दे दीजिए। मैंने कहा सीबीआई को आपके लिए टाइम नहीं है, वो तो आपने खुद के केस को सुलझा नहीं पाई। कहा वो नैना कांड तंदूर में बांध दिया उसको, उसका तो नहीं हुआ। कहा वो जर्नलिस्ट का कांड, क्या नाम था उसका, शिवानी, उसके बारे में कोई नहीं पता कर सके। परंतु हाँ, गुलाब कटारिया जिसने मक्खी को हाथ नहीं लगाया है, ऐसे व्यक्ति को अपन सीबीआई केस देखने की उनको बंद करने का काम करेगी। हाथ सीबीआई देखिए कि हमारे फाइलों के ऊपर लगे हुए हैं, आयोग बना के देख रहे हैं, अरे मिल जाए, अरे इतना काम अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लगा देते तो इतनी सारी जेल नहीं खींचती, इतने सारे अत्याचार नहीं होते, इतने सारे बलात्कार नहीं होते, और राजस्थान का नाम होता। आज नाम है तो काय के लिए, वो इसलिए कि सबसे ज्यादा चेन देश के अंदर खिंचती है तो जयपुर के अंदर, सबसे ज्यादा एससी और एसटी का अत्याचार है तो राजस्थान के अंदर, नंबर 3 के पोजीशन में हम लोग हैं। अरे वाह, वो राजस्थान जिसकी मिट्टी को छूने के लिए लोग बाहर से आते थे, आज उस राजस्थान का ये हाल। हम तो कहते हैं हमें चाहिए वो नया राजस्थान जिसके अंदर हमको हमारा स्वाभिमान वापस लौटाया जाए, जिस राजस्थान के अंदर हम इज्जत के साथ रह सके, जिस राजस्थान के अंदर हमें ऐसी सरकार हो जो संवेदनशील सरकार हमारी आंखों में आंख करके हमारे काम करने में पूरी तरह से शामिल हो। मैं आप लोगों को आज कहने आई हूँ कि आएंगे जब रेवड़ी बांटेंगे तो ले लो, ये तो अपनी रेवड़ी है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो जाएगा उन्हीं की जेब में। यहाँ हमारे किसानों से मैं पता करना चाहती हूँ, किसान भाइयों, आपको मुआवजा मिला? आपको ये जो फसल का मुआवजा जहाँ पाला हुआ पड़ा हुआ मुआवजा किसी को मिला क्या? जयपुर में तो बहुत जोर से लिखा जा रहा है कि आपको क्या कहते हैं बिजली के दाम कर दिए, और जोरदार तरीके से आप लोगों को पैसे का पैकेज दिया, ये पैकेज मिला? ये बताइए कि हमें ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को 1,50,000 का बिना ब्याज का लोन सरकार द्वारा मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या आप लोगों को?
और मिल रहा है तो आधा काम तो आप रिश्वत में दे दीजिए, दूसरा काम आपके जेल में रख लीजिए। मेरे को यह बताया कि आप लोगों को एक रुपया किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है, मिल रहा है, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। ये मेरे को बताया कि कमरा बनाने के लिए 50,000 रुपया का अनुदान मिल रहा है, किसी को मिला। अभी बीकानेर के एक इलाके से आ रही थी तो पेपर में लिखा कि 125 लोगों को अनुदान दिया, 50,000 रुपए का पहला किश्त उनको मिला। तो पहले किश्त को लेके उन्होंने अपने जो कमरा था उस कमरे को तोड़ दिया। कमरे को तोड़ने के बाद दूसरे किश्त के लिए जब उन्होंने आवेदन किया तो दूसरा किश्त तो 8 दिन तक नहीं मिला है। उनको बेचारों को कमरा भी नहीं, क्योंकि कमरा टूट गया, बरसात हो रही है तो कहीं छिपने को भी नहीं, और किराए पे जाके रह रहे हैं। तो बेचारों को तो डबल बात, एक तो किराए की बात, दूसरा ये नहीं मिला, और आगे कब मिलेगा वो देखा जाएगा, रिश्वत तो देना ही देना है। हमारे किसान भाई से पूछना चाहती हूँ कि किसी को इन लोगों ने अपने वादा में वादों में लिखा था, ये जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने ये लिखा था कि कमजोर और पिछड़े वर्ग और किसान, लघु और सीमांत कृषकों को हम बेस प्लान का आवंटन करेंगे। मिला किसी को? आप भूल रहे हो, मिला है, बताओ मिला है। आप नहीं जानते हमारे देश के दामाद को मिला है, इसका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। आपको नहीं मिला है? ये जमीनें गरीब किसानों के लिए नहीं है, ये जमीनें रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए है। हमारे देश का दामाद यहाँ है, तो जब हमारे देश का दामाद आया तो उसको ना कौन कर सकता है। हमारे मुख्यमंत्री पहले खिदमत में खड़े, उन्होंने कह दिया कि बीकानेर की जहाँ आप लोगों को डिविजन में जहाँ भी जमीन की जरूरत है, जहाँ भी बाड़मेर में, जहाँ भी जैसलमेर में जमीन की जरूरत है वो ले दो। बेशुमार जमीन खरीदी, सस्ते दाम में खरीदी, महंगे दाम में आपने बेच दी, अपना पूरा प्रॉफिट लेके वापस चले गए। परंतु हमारे बेचारे किसानों को कहीं भी ना एक बीघा ना दो बीघा ना कहीं भी छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी अपना जीवन पालन करने के लिए नहीं मिला। ये है वो सरकार, उंगली उठाती है दूसरों पे परंतु अपने गरीबान में झांक कर देखे तो सही कितना बदमाशी कितना पाप इस प्रदेश के अंदर करके छुड़ा है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को इतना ही कह सकती हूँ कि ये परिवार, इस परिवार ने लगातार हम लोग सबको बहुत प्यार से अपनी चुंगड़ियां उड़ाई है, बहुत प्यार से सर के ऊपर हाथ फेरा है। हम लोग तो आपके इस प्यार के कायल हैं। आपने इतना बड़ा कर्ज हम लोगों के कंधे के ऊपर अपने प्यार का डाल दिया है कि जिंदगी भर हम लोग दौड़ेंगे भागेंगे फिर भी इस प्यार के कर्ज को पूरी तरह से नहीं उतार पाएंगे। मैंने हमेशा आपकी चुन्नी की इस इज्जत को रखा है, परंतु आप लोगों ने पहनाया है ना उस चुंदड़ी की इज्जत को आप लोगों को भी रखना होगा। मैंने तो रखना, आप रखेंगे, हम लोग मिलकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि राजस्थान को एक नंबर एक के प्रदेश में पहुंचा सकते हैं हम। याद रखिए आज भी दुनिया के अंदर लक्ष्मी मित्तल का नाम है ना, लक्ष्मी मित्तल का नाम है। राजस्थान के लोगों के हाथों के अंदर हुनर है, बस उसको इस्तेमाल करो। सबको कह दो कि हम सब जाग उठे, हम नहीं डरेंगे, हम कोई भी धमका है हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, और लुभाए तो उनके भी बातों में नहीं आएंगे। हमने तय कर लिया है कि अगले सालों के अंदर राजस्थान को नया राजस्थान का स्वरूप देंगे, और हम सब मिलकर उस राजस्थान को ले जाएंगे, चाहे आप किसी भी जात के हो, चाहे वह किसी भी मदद के हो। आप तैयार हो क्या? अगर हाँ तो अपने हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ तैयार हो, और ये हाथ की मुट्ठी बंद कर दो जी। ये ऐसा हाथ जो है ना, उस हाथ ने तो लोगों का बहुत नुकसान किया है। इस हाथ ने महिलाओं का अत्याचार, बहुत सारा मर्डर, और उसके साथ साथ लोगों के जेब को काटने का अभी भी कर रहा है। इसलिए दोनों मुट्ठी बंद करके हिम्मत के साथ एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अरे राजस्थान बनेगा तो हम बनेंगे, हमारा परिवार बनेगा, हमारा परिवार बनेगा तो राजस्थान बनेगा। तो जोर से बोलो मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय।